आज हम अध्ययन करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, भारत के प्रायद्वीप में पाए जाने वाली जो नदियां हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, और उत्तरी भारत का जो विशाल नदी तंत्र था ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी तंत्र हम स्टडी कर चुके। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में आज अध्ययन करेंगे। पहले तो ये कि भारत का प्रायद्वीप कहते किसे हैं, कि प्रायद्वीप होता क्या है। स्थलखंड का वो संकीर्ण भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। वन साइड यहाँ बंगाल की खाड़ी आती है पूर्व में, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में यहाँ अरब सागर है। तो तीन ओर से कहाँ ये किससे जल से घिरा हुआ क्षेत्र भारत का क्या बन गया है, प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, और ये भारत का 22 डिग्री से जब नीचे जाते हैं 22 डिग्री अक्षांश से, वहाँ से प्रायद्वीप भारत का शुरू होता है। तो आज भारत की प्रायद्वीपी दो तरह की नदियाँ प्रायद्वीप में पाई जाती है। फर्स्ट ये है कि देखो, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं और दूसरी यहाँ अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। अगर इस हिसाब से हम याद करते हैं कि पूर्व में बहने वाली नदियाँ और पश्चिम में बहने वाली नदियाँ, ये भी एक इसका तरीका है। अगर हम इसको लेंथ के अकॉर्डिंग याद करेंगे नदियों को, तो फिर उसमें पजल हो जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी है, उसके बाद उसकी छोटी नदी है, उसके बाद उसकी छोटी नदी, ये भी एक तरीका है इसको याद करने का। बट लेकिन सबसे आसान जो है, भारत की पूर्व में बहने वाली नदियाँ और पश्चिम में बहने वाली नदियाँ, इस हिसाब से इसको याद करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाता है। तो भारत के आज अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कम हैं। तो सबसे पहले भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अरब, हमारे अरावली पर्वत से निकलने वाली दो तीन नदियाँ हैं जो अरावली पर्वत से निकलती है। ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है तो यहाँ नदियों में जल की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक नदी आती है, लूनी नदी आती है। भाई लूनी नदी ये एक पश्चिम में बहने वाली नदी है और पश्चिम दिशा में बहती है। पहली नदी लूनी कहाँ पाई जाती है, ये राजस्थान में। ठीक है, और ये अरावली जो पर्वत है उसके पश्चिम भाग से निकलती है। अजमेर के पास अरावली पर्वत का जो हिस्सा है, वहाँ का जो पश्चिमी ढाल है उसका, वहाँ से निकलती है ये लूनी नदी। इसको लवणीय नदी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये एक अंतःस्थलीय नदी कहलाती है। अंतःस्थलीय नदियाँ वो नदियाँ होती है जो सागर तक नहीं पहुँच पाती है, अपने रास्ते में ही विलीन हो जाती है। जब कभी वर्षा का स्तर यहाँ बढ़ जाता है, वर्षा का जल जो है जलाधिक्य हो जाता है वर्षा का, तो उस समय ये नदी कभी कभी क्या है, समुद्र तक पहुँच जाती है। और ये अरावली पर्वत के पश्चिमी घाट से निकलने के बाद, पश्चिमी ढाल से निकलने के बाद हमारे कच्छ के रण में गिरती है। कच्छ का रण जो है, कच्छ के रण के अंदर एक दलदली क्षेत्र है कच्छ का रण, जो अरब सागर की जो खाड़ी है, ये इस खाड़ी, कच्छ की जो खाड़ी है इसके ऊपर का पार्ट है, दलदली क्षेत्र है। इसकी टोटल जो लेंथ है, अब ये पुष्कर झील है यहाँ पर, उसकी दो धाराएँ हैं, वितरिकाएँ हैं, नदियाँ नहीं हैं, दो धाराएँ, जल धाराएँ एक इसके अंदर आती है। पहली सरस्वती और दूसरी जो इसकी धारा है वो कहलाती है भाई साबरमती एक जलधारा है। इन दोनों के मिलने से इस लूनी नदी का निर्माण होता है। और ये पुष्कर झील से निकलती है और किसकी तरफ बहती है, ये पहले बहती है ये पश्चिम की तरफ और फिर पश्चिम से दक्षिण हो जाती है। ठीक है ना, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 320 किलोमीटर। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 320 किलोमीटर पाई जाती है। और दूसरी इसकी कुछ सहायक नदियां हैं भाई, यहाँ पर एक सरस्वती नदी है, एक बूंदी है और सुकरी और जवाई नदी, राजस्थान के छोटी छोटी नदियां हैं जो कभी कभी जब जल आता है, वर्षा होती है तो ही उनमें जल आता है, अदरवाइज़ वो सूखी रहती है। और वो इसकी हमारी लूनी नदी की सहायक नदी होती है। दूसरी जो नदी है पश्चिम की तरफ बहने वाली, दूसरी जो रिवर है वो है हमारी नर्मदा नदी। दूसरी पश्चिम की दिशा में बहने वाली नर्मदा नदी है। ये अमरकंटक का जो पठार है,
अमरकंटक जो पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, वहाँ से ये निकलती है और ये 1057 किलोमीटर लेंथ के साथ बहती हुई कहाँ आती है, खंबात की खाड़ी में आती है जो गुजरात के नीचे पाई जाती है, ठीक है ना। और इसका जो कुछ भाग है भाई, एक ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत है, यहाँ पर विंध्याचल और सतपुड़ा जो पर्वत है मध्य प्रदेश के अंदर, उनकी ब्रज घाटी से होकर बहती है, ठीक है ना। कहाँ पर? अमरकंटक की ये मध्य प्रदेश से निकलती है, यहाँ पर अमरकंटक छत्तीसगढ़ का उसका पार्ट है, वो एक उसका दक्षिणी पार्ट है, वो उसका उत्तरी पार्ट है, ठीक है। क्योंकि अमरकंटक कोई स्पेशल ऐसी उसमें नहीं है, जैसे कोई स्टेट आता है उस स्टेट के यहाँ अमरकंटक है, तो ये किसका पार्ट आ गया, छत्तीसगढ़ का, ये आ गया मध्य प्रदेश का, ठीक है ना। तो ये इसको दक्षिणी भाग कहेंगे, इसका उत्तरी भाग कहेंगे, उत्तरी पश्चिमी भाग कहेंगे, तो इस प्रकार से इसको डिवाइड किया जाता है भाई। तो 1057 किलोमीटर ये बहती है, और पश्चिम में सबसे लंबी बहने वाली नदी जो है, पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है, नर्मदा नदी है। दूसरा, ब्रंस घाटी से होकर बहने वाली नदी भी कौन है, नर्मदा है। और उसके बाद एस्चुरी का निर्माण करती है ये, एक होता है डेल्टा और एक होती है एस्चुरी। अब ये एस्चुरी क्या है, जो नदियाँ डेल्टे का निर्माण नहीं करती और डायरेक्ट समुद्र में विलीन हो जाती है वो क्या कहलाती है, एस्चुरी नदियाँ कहलाती है, ठीक है। तो और दूसरी नदियाँ, डेल्टा नदी वो नदी होती है जो समुद्र में विलीन होने से पहले अपना डिपॉजिट करने के बाद वितरिकाओं में बढ़ जाती है और एक दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, उसको क्या कहते हैं, हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो ये एमपी में सबसे ज़्यादा बहती है भाई, इसकी जो एमपी में 57% इसकी, अगर टोटल लेंथ की जो बात करें, जो टोटल लेंथ है इसकी 1057 किलोमीटर, उसमें से 57% कहाँ बहती है, एमपी में बहती है, ठीक है। और एमपी में 87 है, ये एमपी में सबसे ज़्यादा बहती है, क्योंकि एमपी का बीच में एरिया तो बहुत बड़ा है ना। सबसे पहले बड़ा राज्य कौन था, एमपी था। एमपी का जैसे विभाजन हुआ, किसका निर्माण हो गया, बड़ा राज्य कौन बन गया, राजस्थान बन गया है। तो एमपी का लेंथ ज़्यादा है, तो इसलिए क्या करता है, ये एमपी में सबसे ज़्यादा बहती है। 87% कहाँ बहती है, ये एमपी में बहती है। और महाराष्ट्र के अंदर बहती है ये सिर्फ 11%। महाराष्ट्र में कितनी बहती है, 11%। और 6% बहती है ये आपकी गुजरात के अंदर, ठीक है ना। सिर्फ 6% गुजरात के अंदर बहती है और महाराष्ट्र के अंदर भी बहती है ये, ठीक है ना। तो इसमें अवसाद की कमी है, यही कारण है कि ये डेल्टे का निर्माण नहीं कर पाती है। अवसाद की कमी क्यों है, क्योंकि ये दो पर्वतों की ब्रज घाटी से होकर बहती है और इसके अंदर जबलपुर के पास एक ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर संगमरमर की सबसे ज़्यादा प्रधानता पाई जाती है। कितना हो गया, 100 से ऊपर चला गया है। गुजरात में कितना बच गया इसका, 2% होगा फिर ये, है ना। हाँ, तो ये यहाँ 2% बच गया है, 6% ताप्ती नदी बहती है वहाँ गुजरात के अंदर, ठीक है ना। तो ये जबलपुर के पास एक स्थान है, ठीक है, वहाँ संगमरमर पाया जाता है भाई। और वहाँ पर नदी जो है, नदी की जो आप नदी में जाके देखते हो तो संगमरमर उसके अंदर आपको ऐसे जैसे धूप उसके ऊपर पड़ेगी जल के ऊपर, तो वो चमकने लग जाता है, जल के अंदर ही चमकना उसका शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जबलपुर के पास पाया जाता है। अभी धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, किस स्थान पर बनाती है, जबलपुर के स्थान पर बनाती है और नर्मदा नदी बनाती है, ठीक है ना। तो तीसरा जो है, इसकी प्रमुख नदी हमारी कौन सी है, पश्चिम में बहने वाली तापी नदी, इसको तापी नदी भी कहते हैं और ताप्ती नदी भी कहते हैं, दोनों ही एक ही नदी के नाम है, इसको तापी भी और ताप्ती नदी भी कहा जाता है। इसके बाद नर्मदा के बाद दूसरी बड़ी जो नदी है हमारे पश्चिम के अंदर बहने वाली और अरब सागर में विलीन होने वाली कौन सी है, वो ताप्ती नदी है। और इसकी जो टोटल लेंथ है भाई, ये निकलती कहाँ से है, बैतूल के मुलताई नामक स्थान से निकलती है, बैतूल, ठीक है ना। और सतपुड़ा, बैतूल कहाँ पर भाई, एमपी के अंदर है बैतूल, कर देते हैं यार इसको, बारी बारी गलत हो जाते हैं ना। बैतूल जो है एक स्थान है, एमपी के अंदर पाया जाता है। और ये कहाँ निकलती है, किसकी तरफ बहती है फिर, ये पश्चिम की तरफ बहती है। और किन क्षेत्रों से होकर बहती है भाई, ये
सतपुड़ा पर्वत के जो नीचे का जो क्षेत्र है वहाँ से ये बहती है और इसकी जो हाइट है 762 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कोई भी नदी है वो ऊंचाई वाले क्षेत्र से निकलती है और ढलान वाले क्षेत्र की तरफ जाती है। जितनी भी नदियाँ हमने स्टडी की है वो क्या करती है, ऊपर से आती है और नीचे की तरफ आती है। तो ये 762 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 724 किलोमीटर है। टोटल लेंथ की अगर बात करें तो इसकी कितनी है, 724 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लेंथ कितनी थी, 1057 थी और ये दूसरी बड़ी रिवर हो गई है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिम की तरफ बहने वाली दूसरी बड़ी नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है, हमारी ताप्ती नदी आती है, ठीक है ना। और एमपी में ये 79% इसका एरिया आता है। एमपी में कितनी बहती है ये, 79। और उसके बाद किसका क्षेत्र आता है भाई, एमपी के बाद कौन आता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहती है ये 15% इसका क्षेत्र है। और लास्ट में आपका आता है गुजरात, गुजरात में ये 6% बहती है भाई। गुजरात का जो पार्ट है वहाँ पर 6% बहती है, जो वहाँ टू था, तो यहाँ ये 6% है, ये ताप्ती नदी है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया अभी, ये 100% इसका एरिया हो गया है, 724 किलोमीटर हो गया, 724 किलोमीटर का ये रेशियो आता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो नदी है, हाँ भरंस घाटी इसी को कहते हैं और ये किन किन के बीच में बह रही है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत दोनों के बीच से बहती है और ताप्ती नदी सतपुड़ा के नीचे से बहती है, ठीक है। तीसरी जो नदी है हमारी, चौथी जो नदी है वो हमारी साबरमती है भाई। साबरमती नदी, साबरमती का आश्रम फेमस है भाई गुजरात में, किसके लिए, गांधी धाम है वहाँ पर, है ना, साबरमती धाम भी इसको कहते हैं। तो ये मेवाड़ में अरावली पर्वत से निकलती है भाई। अरावली जो पर्वत है उसके दक्षिण से निकलती है। मेवाड़ नाम का स्थान है, वो भी बहुत फेमस है, महाराणा प्रताप के नाम से फेमस है ना मेवाड़, तो वहाँ से निकलती है ये हमारी साबरमती नदी। और इसकी जो टोटल लेंथ है भाई 320 किलोमीटर है। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो कितनी हो गई है ये, 320 किलोमीटर बहती है। मोस्टली आपको यहाँ पर दो ही नदियाँ करवाई जाती है बुक जब आप देखोगे तो उसमें दो ही नदी मिलेगी, ताप्ती और नर्मदा नदी मिलती है, उसके बाद एक लूनी नदी का जिक्र आता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी नदियाँ हैं जो इस डिस्टेंस में बहती है। कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं जो 10 किलोमीटर की है, 15 किलोमीटर की है, उसका नाम नहीं लिया जाता, लेकिन ये एक मुख्य नदियों में से आती है साबरमती भी, जिसकी लेंथ कितनी है, 320 किलोमीटर आती है, ठीक है ना। और इसके बाद ये खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। हमारी पांचवी जो नदी रहेगी यहाँ पर वो कौन सी है भाई, काली नदी आती है। काली नदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साबरमती अरावली पर्वत के दक्षिणी भाग मेवाड़ नामक स्थान से निकलती है, ठीक है, और राजस्थान और गुजरात में बहती है और कहाँ पर, खंभात की खाड़ी में आकर विलीन हो जाती है। ये खंभात की खाड़ी है ना, इसमें आकर विलीन हो जाती है। इसी के नीचे एक छोटी सी नदी और आती है, माही नदी, जो कभी कभी जब वर्षा हो जाती है तो उसमें जल आ जाता है। माही नदी भी यहीं बहती है, लेकिन वो क्या है, अंतस्थलीय भी है और कौन सी है, मौसमी नदी है। जो मौसमी नदियाँ होती हैं उनके बारे में क्वेश्चन भी कम पूछे जाते हैं और उनका अध्ययन भी कम ही लिखा जाता है। लेकिन जो मोस्टली रिवर है जिनसे हम डैम बनाए जा सकते हैं, जल विद्युत शक्ति प्राप्त की जाती है या सिंचाई के द्वारा नहरें निकालते हैं ना, उन्हीं नदियों का मोस्टली यहाँ पर जिक्र आता है, ठीक है ना, उनके बारे में ज़्यादा स्टडी किया जाता है। और ये जो काली नदी है ये कर्नाटक के स्थान से निकलती है भाई और एक चाप के रूप में बहती है। एक नदी है जो निकल करके क्या करती है, चाप के रूप में बहती है। ये भी क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी है जो चाप के रूप में बहती है, काली नदी है। और इसमें एक चीज़ और पाई जाती है, ऐसी कौन सी नदी है जो मैग्नीशियम जो पदार्थ है जिसमें सबसे ज़्यादा अधिकता पाई जाती है, वो काली नदी है। इसका जो जल है न तो सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, न पीने के लिए प्रयोग किया जाता है, न ही किसी और काम के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके जल के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम की मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कुछ नदियां हैं जिसमें मैग्नीशियम पाया जाएगा लेकिन सबसे ज़्यादा, ये इससे प्रदूषित है, मैग्नीशियम से प्रदूषित नदी है ये आपकी, ठीक है। और अरब सागर में ये
विलीन हो जाती है भाई, ठीक है। तो इसमें मुख्य नदियां हमारी जो थी कहाँ गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली जो मुख्य नदियां थी वो ये पांच नदियां थी भाई मुख्य सागर गिरने वाली। उसके बाद दूसरा जो पार्ट इसका आता है पूर्व, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की अगर बात करें तो सबसे पहले कौन सी नदी आती है, सबसे पहले महानदी आती है, ठीक है ना। तो महाज नदी जो है, अब ये नंबर एक पूर्व की तरफ बहने वाली महानदी, महानदी एक जो कहाँ से निकलती है भाई, हमारे एक अनुवर्ती नदी है, हमने पढ़ा था पूर्ववर्ती नदी, पूर्वगामी नदी, अनुवर्ती नदी किसे कहते हैं, है ना। अनुवर्ती नदी कौन सी होती है भाई, अनुवर्ती नदी वो नदी है जो ढाल का अनुसरण करती हुई चलती है, क्योंकि अनुमाने क्या होता है, अनु एक प्रत्यय है संस्कृत का, अनुमाने पीछे होता है, ठीक है। तो अनुवर्ती ढाल के पीछे पीछे चलने वाली नदी को क्या कहते हैं, अनुवर्ती नदी कहते हैं। और महानदी एक बड़ी अनुवर्ती नदी है जो सिर्फ ढाल के अकॉर्डिंग चलती है, इसलिए न तो कटाव करती है और ये आसपास के क्षेत्रों का तटबंधों का कटाव तो करती है, लेकिन ये स्थान बदलने में माहिर नहीं है, ये अपना स्थान नहीं बदलती है। और दक्षिणी भारत की मोस्टली नदियों की खासियत यही है कि वो उत्तरी भारत की नदियों की तरह न तो स्थान बदलती है और न ही उनकी तरह बाढ़े लेकर आती है, ठीक है ना। बाढ़ इनमें आती है जब जल की अधिकता हो जाती है, और वो बाढ़ क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी जो घाट है ये ऊपर उठा हुआ भाग है और दक्षिणी जो भाग है क्या है, ढलान ज़्यादा है। तो एकदम से क्या होता है, नदियों का जल जब जल ज़्यादा हो जाता है, जल लोड ज़्यादा होता है तो उसको आगे एकदम से पहुँचाने की बजाय क्या करती है, ज़्यादा फैला देती है, तब इसमें बाढ़ आती है, ठीक है ना। इसकी कुछ सहायक नदियाँ भाई, वैसे इसकी जो टोटल लेंथ है वो 851 किलोमीटर है भाई। ये नदी पश्चिम से निकल करके कहाँ बह रही है, पश्चिम से निकल के पूर्व की तरफ बह रही है, और कितनी लेंथ है इसकी, 851 किलोमीटर लेंथ है इसकी टोटल। और इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं भाई, शिवनाथ है, मांद है, ईब है, जोंक है, वैतरणी है और ब्राह्मणी है। ये कुछ नदियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। और विश्व का सबसे बड़ा जो बांध है कौन सा है, हीराकुंड, वो इसी नदी पे पाया जाता है भाई, ठीक है। हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर पाया जाता है। और तीसरी जो इसमें दूसरी जो इसकी मुख्य नदी आती है हमारी भाई महानदी के बाद, वो कौन सी है, सुवर्ण रेखा नदी आती है भाई, सुवर्ण रेखा, ठीक है। ये रांची के पठार से निकलती है भाई और 395 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। इसकी लेंथ की अगर बात करें तो कितनी है, 395 किलोमीटर बहती है ये, और कहाँ से निकलती है, रांची के पठार से निकलती है। रांची का पठार कहाँ है, हाँ वहाँ से ये निकलती है और किसकी तरफ बहती है, पूर्व की तरफ बहती है और बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, ठीक है। और तीसरी इसमें मुख्य जो नदी आएगी हमारी गोदावरी नदी, ये प्रायद्वीप पठार की दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या है ये, दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसको सबसे बड़ी नदी क्यों कहते हैं भाई, इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, है ना, इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा है, वो कितनी है, 1465 किलोमीटर है। जैसे गंगा नदी अपने डेल्टे का निर्माण करती है, उसी प्रकार ये नदी भी अपने डेल्टे का निर्माण करती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर झारखंड की जो घाटी है, झारखंड को एक चीज़ और भी कहा जाता है भी ना हमारा, यहाँ पर महानदी जो बह रही होती है तो इसको एक चीज़ और कही जाती है, चावल का कटोरा कहते हैं झारखंड को। ऐसा प्रदेश नहीं है झारखंड का कि वो चावल पैदा करे, लेकिन नदी की जो घाटी है ना, उस घाटी में जो चावल पैदा होता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं यहाँ पर भाई दक्षिण में, वर्धा, वैनगंगा, मनेर, पूर्णा, दूधना, पैनगंगा, वैनगंगा और प्राणहिता, ये छोटी छोटी नदियाँ हैं जो इसकी सहायक नदी है। दो तीन नदियाँ इसके पूर्वी तट पर मिलती है और दो तीन नदियाँ इसके दक्षिण तट पर आकर मिलती है, ठीक है ना। और ये डेल्टा का निर्माण करती है। गोदावरी एक चीज़ के लिए वो फेमस है, गोदावरी इंडिया के अंदर एक और चीज़ है जिसके लिए फेमस है, और वो क्या है, यहाँ पर
इस घाटी के अंदर कोयला पाया जाता है, यही कारण है कि यहाँ पर ब्लैक सॉयल पाई जाती है, ठीक है। और साथ में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम इस नदी घाटी के अंदर पाया जाता है। अभी यहाँ अनुमान लगाए गए हैं, रिलायंस जो कंपनी है इसको इसका अभी ठेका दे दिया गया सरकार के द्वारा, वो इसके ऊपर उनकी रिसर्च अभी जारी है, और इसके बाद जैसे ही भारत का ये कंप्लीट हो रहा है तब तक भारत के अंदर प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की जो सुविधा है वो यहाँ से प्राप्त किया जाएगा। पेट्रोलियम असम से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता था, यहाँ से अगर कम हुआ तो कहाँ पहुँच गए, बॉम्बे आई पहुँच गए हैं। बॉम्बे आई से जैसे ही कम होगा तो क्या होगा, ये नदी घाटी इसको पकड़ लिया जाएगा और पेट्रोलियम यहाँ से निकाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी चौथी जो यहाँ नदी आती है भाई, वो है कृष्णा नदी। ये एक ऐसी नदी है भाई जो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से निकलती है, और महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट का जो पार्ट है उसको काट करके कहाँ बहती है, पूर्व की ओर बहती है, ठीक है ना। और इसकी जो लेंथ है कितनी है, 1400 किलोमीटर है। अब ये बात आती है, अब पढ़ा था हमने कि अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, उसी प्रकार बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो कृष्णा नदी आती है, ठीक है। क्योंकि महानदी की लेंथ कितनी है, 851 किलोमीटर है, और कृष्णा नदी की लेंथ कितनी हो गई है, 1400 किलोमीटर है। तो ये दक्षिण पूर्व की तरफ बहती है, और इसकी सहायक नदियों में कौन आता है, कोयना एक नदी आती है, तुंगभद्रा एक नदी आती है जो कर्नाटक तेलंगाना के पठार से निकल के किस में मिल जाती है, कृष्णा नदी में। कृष्णा जो नदी यहाँ से निकलती है और कहाँ, यहाँ से निकल करके नीचे आती है और आंध्र प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र में ये बहती है भाई, और कहाँ गिरती है फिर, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसमें भीमा है, मूसी, घाट प्रभा, माल प्रभा और पैनगंगा और दूध गंगा, ये कुछ इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना। और वो वैनगंगा थी, पैनगंगा, यहाँ वैनगंगा, दो नदियाँ हैं, ठीक है, ये अलग अलग, एक मूसी नदी है इसकी सहायक नदी, और एक नागार्जुन सागर बांध है ना, वो इसी नदी पे पाया जाता है भाई। कृष्णा नदी पर दो क्वेश्चन आते हैं बारी बारी, महानदी पे पाया जाने वाला हीराकुंड डैम और कृष्णा नदी पे पाया जाने वाला नागार्जुन डैम, ठीक है ना, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और इस पर एक अलमाटी नाम का एक बांध और बनाया गया है, जो सिर्फ क्या करते हैं भाई, कर्नाटक के लिए स्पेशल, जो कर्नाटक है ना, कर्नाटक के क्षेत्र के लिए बिजली उत्पादित की जाती है, उससे अलमाटी नाम का एक बांध और स्थापित किया गया, ठीक है ना। और अब यहाँ देखो भाई, 1957 से अगर बात करें, यहाँ पर एमपी नहीं महाराष्ट्र, कर्नाटका और कौन है, तमिलनाडु, इन तीनों के बीच में क्या चल रहा है भाई, तमिलनाडु का क्षेत्र नहीं आता है यहाँ पर, आंध्र प्रदेश का स्थान आता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश यहाँ आता है भाई, आंध्र प्रदेश है ये, इन तीनों के बीच में जल विवाद का क्षेत्र चल रहा है। अब महाराष्ट्र के लोग इसका ज़्यादा जल का प्रयोग करते हैं, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इनका मामला 1957 से, और आज तक इसका हल नहीं हुआ है, ये विवाद है, जल विवाद है। बाहर से तो जल विवाद चलते रहते हैं, 1960 में तो हमारा यहाँ जल विवाद चल रहा था सिंधु नदी पे, उसके बाद 2016 में सांगपुर नदी पे जल विवाद चला था, और बांग्लादेश के साथ भी जल विवाद चलता रहता है जल को लेकर के, लेकिन ये आंतरिक जल विवाद भी भारत के अंदर चलते रहते हैं। जैसे हरियाणा और पंजाब के बीच में जल विवाद चल रहा है SYL नहर को लेकर के, तो उसी प्रकार यहाँ पर ये जो नदी है कृष्णा नदी, इसके बीच में, इसके लिए भी ऊपर भी क्या चल रहा है, जल विवाद चल रहा है, कब से, 1957 से चल रहा है, और आज तक इसका कोई हल नहीं है। और हर बार लोग क्या है, इस मुद्दे को उठा करके यहाँ सरकार बना जाते हैं, ठीक है ना, ये एक अच्छा राजनीतिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादा बेहतर उनके लिए हो गया है ये, ठीक है ना। तो उनको भी कोई ना कोई मसाला की ज़रूरत होती है। और उसके बाद हमारी पांचवी जो रिवर आती है भाई, वो आती है कावेरी। कावेरी जो नदी है भाई, ये निकलती है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, जो कर्नाटक का स्थान है यहाँ पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से ये नदी निकलती है कावेरी नदी, और कहाँ बहती है फिर, ये पूर्व की तरफ बह करके दक्षिण पूर्व हो जाती है। नदियाँ जो हैं कभी भी किसी एक सीक्वेंस में इस प्रकार नहीं चलती है, उनका क्या रहता है, नहरें और नदियों में डिफरेंस यही है, एक नहरें जो है मैन मेड होती है, उनको
मानव के द्वारा बनाया जाता है और उसको सीधा भी बना सकते हैं, लेकिन हमारी जो नदियाँ हैं वो अपने मर्जी से क्या करती है भाई, इस प्रकार से कहीं भी टर्न ले सकती है, उसके जल को रोका नहीं जा सकता है। अगर उसके जल को रोकते हैं तो फिर वही बाढ़ और जलाक्रांत का जो क्षेत्र है वो यहाँ बन जाता है। तो कावेरी नदी है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 800 किलोमीटर है भाई। ये 804वीं भारत की प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। इससे पहले किसका नाम आता है, महानदी का नाम आता है जो 851 किलोमीटर की है, ठीक है ना। तो चौथी जो नदी है हमारी कौन सी हो गई है, कावेरी नदी है जो किसकी तरफ बहती है, पश्चिम से निकलती है और पूर्व की तरफ बहती है। बाकी सारी नदियां आपने देखी है कहां से कहां बहती है, ये पांच नदी पहले हमने की थी जो पूर्व से निकली थी और पश्चिम की तरफ गई थी, और बाकी जो ये नदियां कहां से कहां बह रही है, इंडिया की कुछ नदियां ऐसी है जो सेंटर से निकलती है और पूर्व की तरफ बहती है, लेकिन ये एक ऐसी नदी है जो बिल्कुल बिल्कुल बाहर की तरफ से आती है ना, महाराष्ट्र के, और एक महाराष्ट्र की थी, दूसरी गोदावरी नदी थी महाराष्ट्र की, और कावेरी नदी कहाँ से आती है, कर्नाटक से निकलती है ब्रह्मगिरी से, और बिल्कुल यहाँ तट से निकलती है और कहाँ किसकी तरफ जा रही है, पूर्व की तरफ जा रही है। क्योंकि इसका मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारत का जो पश्चिमी ढाल क्या है, ज़्यादा उठा हुआ है, और पूर्वी ढाल क्या है, नीचे की दशा हुआ है। इसी वजह से क्या होता है, ये नहर नदियाँ जो है इस क्षेत्र से उस क्षेत्र की ओर मूवमेंट करती है। तो कर्नाटक के जो ये नदी है कावेरी जो नदी थी, ये एक जलप्रपात का निर्माण करती है भाई, कौन सा है वो, शिव समुद्रम। ये एक जलप्रपात बनाती है नदी, शिव समुद्रम जलप्रपात। ये एसएससी एचएससी में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस नदी के ऊपर शिव समुद्र में जलप्रपात पाया जाता है, तो कौन सी नदी है वो, कावेरी नदी है। और एक और नाम आता है भाई यहाँ पर, श्री रंगम पट्टनम। श्री रंगम पट्टनम फेमस है, किसके लिए फेमस है भाई, टीपू सुल्तान, है ना। तो टीपू सुल्तान की राजधानी होती थी ये श्री रंगम पट्टनम, ठीक है ना। और ये दोनों क्या है, ये जलप्रपात भी है लेकिन दोनों द्वीप है, कावेरी नदी के द्वारा बनाए गए दोनों के दोनों द्वीप हैं, ठीक है। अब भारत के दक्षिणी भारत में पाए जाने वाले नदी द्वीप कौन से हैं, शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम। ये उसी से संबंधित है, हम यहाँ ज्योग्राफी स्टडी कर रहे हैं, जब हिस्ट्री स्टडी करेंगे तो हम यहाँ श्रीरंगपट्टनम का पूरा वर्णन करेंगे, ठीक है ना। अब ये ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, ये उसके लोकेशंस की बात कर रहे हैं, ये क्यों फेमस है, सिर्फ हमने ये पता करना था, ठीक है। काफ़ी अच्छी बात है, अभी आपने याद रखा है, हैं वो श्री हरिकोटा है वो, ठीक है। और ये एक ऐसी नदी है भाई जो क्या है, वर्ष भर बहती रहती है, बाकी नदियों में जल सूख जाता है, दक्षिणी भारतीय एकमात्र ऐसी नदी जो वर्ष भर चलती रहती है, वर्ष भर बहती रहती है। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर केरला का जो तटीय क्षेत्र है, कर्नाटक का तटीय जो क्षेत्र है, यहाँ पर मोस्टली वर्षाएँ होती रहती है। जब यहाँ से वर्षा समाप्त होती है तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी दक्षिण पूर्वी उत्तरी पूर्वी जो पवने हैं वो यहाँ वर्षा करती है, उसमें जल की अधिकता हो जाती है, इसीलिए क्या है ये नदी कंटिन्यू बहती रहती है, ठीक है। तो इस नदी का काफ़ी बोलना नहीं है इसको, ये याद रखने वाली नदी है। तो ये दक्षिणी भारत की मुख्य नदियाँ थी भाई। उसके बाद एक नदी और आती है भाई यहाँ पर, इसी पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों में बात करें तो एक अमरावती नदी आती है भाई, अमरावती आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो अमरावती जो नदी है ये कावेरी की सहायक नदी है, ये वैसे कावेरी की सहायक नदी है लेकिन इसकी लेंथ जो है 175 किलोमीटर है। कावेरी की सबसे बड़ी सहायक नदी की अगर बात करें तो कौन सी है, अमरावती आती है। अभी जैसे ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का डिवीज़न इसको बांटा गया था, आज विभाजन हुआ, तो अमरावती के स्थान पर, अमरावती जो स्थान है उसी के ऊपर क्या बनाया गया था, अभी इसकी राजधानी की बातचीत चली थी कि अमरावती नदी के जो स्थान के ऊपर हम इसकी राजधानी सेटअप करेंगे आंध्र प्रदेश की, और तेलंगाना को क्या दे दिया जाएगा, हैदराबाद दे दिया जाएगा, इसके विषय में भी सिस्टम भी चल रहा है। तो ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, ये
करूर है जो तमिलनाडु से निकलती है, निकलती तमिलनाडु से है और बहती कहाँ है, इसकी तरफ बहती है, ये ऊपर की तरफ बह रही होती है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। इसका मतलब क्या है, कोई भी जो ढलान है स्पाट नहीं है, ये नहीं कह सकते कि सारा सारा ढलान यहीं है, यहाँ से उठ करके कुछ पार्ट इस प्रकार उठा हुआ है और नदियाँ यहाँ ही बह रही है। अब मध्य प्रदेश का जो भाग हमने अमरकंटक का स्थान देखा था, यहाँ पर क्या था, सोन नदी किसकी तरफ, उत्तर की तरफ बह रही है, बाकी सारी नदियाँ क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना। तो कोई भी स्थान अब देखते हैं तो जैसे मैप में दिखाया जाता है एज इट इज़, ऐसा स्थान नहीं होते हैं, जब इसका हम व्यूज़ देखते हैं ऊपर से तो अलग अलग स्थान जो है, किस प्रकार ढलान है, किस दिशा में ढलान है, वो सब चीज़ें दिखाई देती है, ठीक है ना। ये टोपोग्राफिकल मैप होते हैं जिनसे चीज़ दिखाई जाती है। और अब गोवा के अंदर ये तो थी मुख्य नदियाँ, अब कुछ एक स्थान है जहाँ पर कुछ नदियाँ निकलती है। सबसे पहले नाम आता है भाई गोवा का। गोवा के अंदर दो नदियाँ पाई जाती है, पहली नदी क्या है, मांडवी। मांडवी नदी को गोवा की क्या कहते हैं, जीवन रेखा कहा जाता है। 77 किलोमीटर इसकी लेंथ होती है। और इसको गोवा की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली जो जल है गोवा के आसपास में क्या है, वो नमकीन है, और इस नदी का जल क्या है, मीठा जल है। तो ये नदी यहाँ पर पूरे गोवा के अंदर पीने का पानी जो उपलब्ध करवाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। छोटी नदी है, 77 किलोमीटर है, लेकिन जल की मात्रा इसमें भी है, ठीक है। दूसरी जो नदी है यहाँ पर जुआरी नदी है, जुआरी नदी आती है जो 92 किलोमीटर बहती है भाई। अब गोवा छोटा है तो नदियाँ भी गोवा की छोटी है, ठीक है, देश का सबसे छोटा पार्ट गोवा है, ठीक है ना, इसकी छोटी सारी नदियाँ हैं। तो जुआरी दूसरी नदी है, 92 किलोमीटर बहती है इसकी लेंथ है, लेकिन इसका जो जल है यहाँ पर सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। और तीसरी जो इसके बाद जो स्थान आता है भी हमारा केरल का स्थान आता है। कुछ एक स्थान ऐसे हैं जो स्पेसिफिक स्थान के हिसाब से बात करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहता है, वहाँ नदियों की बात न बाद में होती है। तो केरल की एक पेरियार नदी आती है भाई, केरल में पेरियार नदी है, और ये पेरियार नदी, इसका जो नामकरण है किस पे रखा गया है, केरल का एक प्रबुद्ध व्यक्ति, ठीक है ना, उस समय का रामास्वामी पेरियार जो है, ठीक है ना, पेरियार रिवर उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। हाँ वो था वहाँ, लेकिन उन्होंने काम दक्षिणी भारत में किया, पूरे दक्षिणी भारत में काम किया है, तेलुगु और तमिल लोगों के लिए काम किया, और वो वहाँ का एक प्रबुद्ध अच्छा व्यक्ति है, जिसका व्यक्तित्व तो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा है, दक्षिणी भारत में मोस्टली है ही है, पूरे भारत में उसका प्रभाव है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नदी आती है पेरियार, ये अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है, और इसको केरल की जीवन रेखा कहा जाता है भाई। केरल में और नदियाँ भी बहती है, लेकिन अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में है, लेकिन जहाँ कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु मिलते हैं वहीं अन्नामलाई की पहाड़ी है। हम इसको तमिलनाडु के अंदर अन्नामलाई की पहाड़ी नहीं कह सकते हैं, नीलगिरी, नल्लामलाई, अन्नामलाई ये पहाड़ियाँ हैं। और ये किसके, इनके किस पे पाई जाती है, ये बिल्कुल बाउंड्री पे पाई जाती है। हमने पहले बात की थी कि कुछ एक स्थान ऐसे हैं जिनको हम किसी एक में नहीं डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर भारत नेपाल की अगर बात करें, बाउंड्री की बात करें, नदियों के द्वारा बाउंड्री बनाई गई है, कुछ पर्वतों के द्वारा, इंडिया और म्यांमार की बात करें तो अराकान योमा पर्वत इनकी बाउंड्री बनाता है, इधर जाते हैं तो एक भारत का यहाँ कौन सा पार्ट आता है भाई, चीन और एक्साइज, इंडिया और एक्साइज चीन को अलग करता है, कराक्रम श्रेणी आती है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम इस प्रकार से है। तो यहाँ पर ये स्पेशल एक से एक स्थान में नहीं है, इनका कुछ पार्ट कहाँ चला गया है, दूसरे स्टेटों के अंदर भी चला गया है, ठीक है। तीसरा जो स्थान आता है इसके अंदर आता है, झारखंड का नाम आता है भाई, तीसरा जो स्थान है वो झारखंड है। झारखंड में भी एक दो नदियाँ पाई जाती है जिनका अध्ययन एक पूरे स्टेट के रूप में किया जाता है। तो सुवर्ण रेखा झारखंड की मुख्य रिवर है भाई, जो हमने पढ़ी थी ना अभी, सुवर्ण रेखा, इसकी लेंथ ही केवल 16 किलोमीटर है, ये सिर्फ 16 किलोमीटर लंबी नदी है। और हुंडरू जलप्रपात, ठीक है, हुंडरू जलप्रपात के बारे में तो यूजीसी नेट पता नहीं इस क्वेश्चन को लेके बैठा रहता है, मिलान करने के अंदर सबसे ज़्यादा ये आता ही आता है क्वेश्चन कि हुंडरू जलप्रपात
किस नदी पर बनता है? सुवर्णरेखा। हुंडरू, ठीक है, हुंडरू जलप्रपात है। तो ये थी हमारी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ और अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन कि वो किस दिशा में जा रही है और उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग ही अगर स्टडी कर सकते हो तो कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू लेंथ ये याद नहीं रहती है। ये सबसे पहले हम अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा पार्ट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो छोटे से स्टेट है, छोटी जो रिवर है, उनको हम अलग अलग से अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना, एक स्पेशल उसके रूप में। तो ये तो पश्चिम से पश्चिमी जो भारत है ये प्रायद्वीप की नदियाँ नहीं हैं, लेकिन अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, समझ रहे हो, क्योंकि प्रायद्वीप कहाँ से शुरू होता है, 22 डिग्री से, है ना। तो ये कौन सी नदियाँ हैं? अब हमने अध्ययन किया है राजस्थान की नदियों का, तो हमने प्रायद्वीप की नदियों के बारे में स्टडी कर रहे थे हम, लेकिन ये कहाँ कौन सी नदियाँ हैं? पश्चिम की नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में हमने अध्ययन किया है। अगर इसको बांटते हैं हम किसके रूप में, प्रायद्वीप के रूप में, तो इन नदियों का यहाँ पर कोई वर्णन नहीं होता, ठीक है ना, यहाँ इसकी चर्चा ही नहीं होती है। लेकिन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में बात की तो इनका जिक्र होगा, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।